Hi everyone, my name is Pradeep Singh and you are watching my YouTube channel Grammar for You, G for You. So, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वावल ई के बारे में. आज का हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा वावल ई के बारे में कि वावल ई कौन कौन सी साउंड्स को प्रोड्यूस करता है. ओके, सो मेरे साथ अंत तक बने रहिए. तो आइए देखते हैं वावल ई के बारे में. हाँ, वावल ई के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा ऑर्थोग्राफी को रिवाइज कर लेते हैं कि ऑर्थोग्राफी में हमें स्टडी क्या क्या करना है और अब हम क्या कर रहे हैं और हमारा बचता कंटेंट क्या है. ठीक है, ऑर्थोग्राफी का मतलब है अक्षर ज्ञान, वर्ड नॉलेज और अल्फाबेट्स ऑफ लैंग्वेज ABC. स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स हम तो स्टडी कर ही चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं वॉवल्स के बारे में. और पिछली वीडियो में हमने वॉवल ए के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम वॉवल ई के बारे में बात करेंगे. रूल्स ऑफ स्पेलिंग्स, जिसमें हम साइलेंट लेटर, कॉन्सोनेंट यूजेस एंड प्रीफिक्स सुफिक्सेस नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. सो आज का हमारा एजेंडा है, आज का हमारा टॉपिक है वॉवल्स ई के बारे में बात करना. ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं. सो वॉवल ई है जो, वो कौन कौन सी साउंड्स प्रोड्यूस करता है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे. वॉवल ई सबसे पहले साउंड प्रोड्यूस करता है ई की. ई जैसे इलेक्ट्रिशियन, इलेक्टिव, इलेवन एटसेट्रा. उसके बाद वॉवल ई जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है ई की, जैसे ही, शी, प्री, बीट, मीट एटसेट्रा. उसके बाद वॉवल ई है जो वो साउंड प्रोड्यूस करता है अ की, जैसे अ, अर्थ. ठीक है, सो उसके बाद वॉवल ई जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है ए की, ए, जैसे एग, सेट, गेट, लेट. तो आइए हम ब्रीफली इनके बारे में बात करते हैं. वॉवल ई है जो वो सबसे पहले साउंड प्रोड्यूस करता है ई की. ठीक है, साउंड ई, जैसे ट्री, मीट, स्पीच, स्पीड, सीड, शीट, नीड एटसेट्रा. ठीक है, और ये साउंड प्रोड्यूस होती है डबल ई के साथ. ठीक है, उसके बाद ई की साउंड सिंगल ई से भी प्रोड्यूस होती है, जैसे प्री, शी, ही, मी एटसेट्रा. ठीक है, और उसके बाद ई की साउंड डबल ई के साथ भी प्रोड्यूस होती है, जैसे रीड, लीप, लीड, डीप, स्पीक, वीक, नीट, सीट, चीट, मीन एटसेट्रा. आपने देखा यह है कि जो ई और ए है, इसका मतलब कि जे ई की साउंड निकाल रहे हैं, इस चीज़ की साउंड निकाल रहे हैं. ठीक है, इस चीज, ठीक है, सो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना. ठीक है, और उसके बाद लास्ट नहीं कह सकते हम इसे, जो ई है वो साउंड प्रोड्यूस करता है ई की ही, बट उसमें एक रूल होता है, जैसे पहले कॉन्सोनेंट आता है, फिर ई आती है, फिर कॉन्सोनेंट आता है और फिर ई आती है. ठीक है, सो इस प्रोसीजर में क्या है कि जे ई की साउंड ही निकाल रहा होता है, जैसे TH, ये एक तरफ से कॉन्सोनेंट है. ठीक है, TH क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ई है वो एक वॉवल का काम कर रही है जहाँ पे, जैसे कि ई, फिर एस कॉन्सोनेंट है. ठीक है, कॉन्सोनेंट और लास्ट में फिर ई, तो ये बना दीज, तो साउंड निकल रही है ई की. ठीक है, दीज,
तो रूल के मुताबिक ठीक है, जे टी एच है जो कॉन्सोनेंट है, एस भी कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट प्लस ई फिर कॉन्सोनेंट प्लस ई, तो दीज। तो आइए हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए, जहाँ पे ई है जो, वो ई वाई की साउंड भी, ई वाई भी ई की साउंड निकालता है, जैसे कि की, हॉकी, मॉन्की, ट्रॉली, चिमनी, हनी, किडनी, वैली, जर्नी। तो आपने देखा है कि ई वाई भी ई की ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो ये नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लेना अपने साथ में, मैं आपको बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बात क्लियर करवाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ऑर्थोग्राफी से स्टार्ट किया है इंग्लिश मैंने अपनी जो भी सारी वीडियोस होगी, वो ऑर्थोग्राफी से लेकर कंपोजिशन तक जाएंगी। सो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो में भी आपको काफ़ी कंटेंट दूंगा वॉवल्स के बारे में। जैसे कि आपने देखा कि ई जो है वो ई वाई के साथ भी ई की ही साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो ई है और ए है और डी है, जहाँ ई ए डी है आपके सामने, तो जे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब होता है एड। क्या होता है एड, जैसे इसके साथ आप एच को जोड़ लो तो क्या बना हेड, ठीक है, और इसके साथ आप डी को जोड़ लो तो क्या बना डेड, क्या बनता है डेड। इसी तरह से इसके आगे आप टी एच जोड़ लो तो क्या बनता है टी एच आर थ्रेड। सो आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी कि जब भी ई और ए के साथ डी लगा हो तो कभी कभी इसकी साउंड एड की भी होती है, हेड, डेड, थ्रेड एटसेट्रा, ठीक है। और ई आर, ई आर को तो आप ईयर ही बोलते हैं ना, ईयर, ईयर का मीन्स कान, कान होता है जो, जैसे आपको पता ही है, ठीक है। सो ईयर का मीनिंग क्या होता है, कान। सो आप देखिए कि इसके ईयर के आगे हम वाई लगा दें तो ईयर हो जाता है, ठीक है, सी एल लगा दें तो क्लियर हो जाता है, डी लगा दें तो डियर हो जाता है। सो इसी यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसकी साउंड ईयर होती है, ईयर, ठीक है। सो आइए और देखते हैं, जैसे कि ई डी के बारे में आपको बोलता है रीड, ठीक है, पहले क्या है रीड, लीड, जहाँ इसकी जो साउंड है ईड की आ रही है, ईड, ईड, बट एड भी आती है, जैसे हेड, ब्रेड, स्प्रेड, थ्रेड, डेड एटसेट्रा। सो आई होप कि आप, हमने किया क्या है, ये तो एड का एड ही है, इसके आगे हमने सिर्फ एक लेटर पुट किया है एच, तो जे बन गया हेड, फिर इसके आगे हमने बी आर को पुट किया है तो जे बन गया ब्रेड, इसके आगे फिर हमने एस पी आर, तीन कॉन्सोनेंट के तीन कॉन्सोनेंट को पुट किया है तो जे स्प्रेड का, स्प्रेड की प्रोनंसिएशन दे रहा है, और इसके आगे हमने अगर टी एच आर तो थ्रेड, डी इंक्लूड किया तो डेड। बेसिकली इसकी साउंड है जो वो एड की ही रही है। आई होप कि आपको ईड और एड के बारे में भी जो कन्फ्यूज़न है आपकी वो दूर हो गई होगी। तो आइए आगे देखते हैं, उसके बाद हमने, मैंने आपको बताया था कि ईयर जो ई की साउंड प्रोड्यूस करता है, तो जैसे देखिए कि डी लगा तो क्या बना डियर, ठीक है, डियर, हियर, हियर सुनना होता है, ईयर, क्लियर, नियर, वियर, फियर। सो ऐसे कितने ही वर्ड होंगे जिसके पीछे ईयर वर्ड का, ईयर वर्ड की यूजेस होती है। बेसिकली बदल क्या रहा है, कॉन्सोनेंट, जे ईयर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, इसकी साउंड वही है ईयर, बदल क्या रहा है आगे आने वाला कॉन्सोनेंट, ठीक है। सो कॉन्सोनेंट की ही चेंजिंग हो रही है, ईयर साउंड की जो चेंजेस नहीं हो रही है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ऐसे स्प्लिट करके वर्ड्स को सीखेंगे तो आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो भी ओमिट हो जाएगी, साथ में आपकी प्रोनंसिएशन भी
अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। लास्ट में है जो वो लास्ट नहीं कह सकते, जो ई है वो किसकी साउंड प्रोड्यूस करता है, अ की, अ। ठीक है, देखिए अ की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे ई आर क्या होता है, अर। जैसे टीच, आप टीच देख रहे हैं ना, इसके पीछे हमने क्या पुट किया है, अर, ई आर पुट किया है, तो इसका मीनिंग टीचर, अर, कीपर, अर, कीपर, रीड, अर, रीडर, बिगिन, अर, बिगिनर, बेकर, बेकर, सेंटर। सो हाँ, मैं बात को आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ आप देख रहे हैं कि सेंटर के मैंने दो वर्ड लिखे हैं, सेंटर के मैंने दो वर्ड लिखे हैं, एक यूएस है, एक ब्रिटिश है, एक यूके के है, एक ब्रिटिश है। तो आपको इनके बारे में ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक ब्रिटिश होती है, एक अमेरिकन होती है। सो आपको स्पेलिंग मिस्टेक में ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कभी कभी जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उस न्यूज़ में कभी कहीं यूएस इंग्लिश लिखी होती है और कहीं यूके इंग्लिश लिखी होती है। वैसे हम फॉलो कौन सी करते हैं, हम यूके इंग्लिश ही फॉलो करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ई के साथ बनी अर साउंड भी पता चल चुकी होगी, जैसे कि फाइबर, इसमें भी लास्ट में ई आर ही आ रहा है। सो आइए ई के बारे में और जानकारी लेते हैं। जैसे ई जो है वो ए की साउंड भी प्रोड्यूस करती है, ई जो है ए की साउंड भी प्रोड्यूस करती है, जैसे सेड, बेड, मैन, हैन, देन, वेल, जेट, रेड, लेग, स्मेल, ड्वेल। ठीक है, सो आपने क्या नोट किया कि इसमें साउंड है जो वो एह की आ रही है, जो साउंड है एकदम से गिर सी रही है, स्ट्रेस दे रही है, एह। ठीक है, लंबी वाली साउंड जड़ी है, साउंड है जो वो नहीं आ रही है, जैसे सैड, ये है सैड। ठीक है, बट ये क्या है, सेट। सो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ई है जो वो जब कॉन्सोनेंट कह लो के जैसे तीन कॉन्सोनेंट, नहीं सॉरी, मैं आपको रूल लिख देता हूँ, ऐसे मुझे आपको बताना नहीं आ रहा है, हिंदी मेरी अच्छी नहीं है तो मुझे कन्फ्यूज़न होती है बोलने में कभी कभी। आप तो देखते हैं कि कभी कभी मैं पंजाबी मिक्स कर देता हूँ, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ तो पंजाबी मिक्स कर देता हूँ। तो देखिए, जे सी का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, सी का मतलब क्या है, जहाँ सी का मतलब है कॉन्सोनेंट। ठीक है, जब कॉन्सोनेंट प्लस ई प्लस कॉन्सोनेंट आए तो इसकी साउंड एक ही होगी, जैसे कॉन्सोनेंट टी कॉन्सोनेंट, इसके बीच क्या है, ई, इसके बीच क्या लगा है, ई, तो जे कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ए की, सेट। ठीक है, तो जैसे हम जे कॉन्सोनेंट डबल भी हो सकता है और जे कॉन्सोनेंट भी डबल हो सकते हैं, जैसे हम देखते हैं, मैं आपको एक वर्ड के माध्यम से समझाता हूँ ये बात। जैसे देखो सी एच, सी एच क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और ई एक ए की साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो और एस टी, जे भी कॉन्सोनेंट, जे भी कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट, और बीच में जो ई है वो ए की साउंड प्रोड्यूस कर रही है, चेस्ट। सो आई होप कि आपको मीनिंग जो है वो क्लियर हो चुका होगा। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं कि जो आपके सामने लिखा है स्मेल, और इसमें जो डबल ही है, जे डबल कॉन्सोनेंट है, ठीक है, एस एम, जे भी डबल कॉन्सोनेंट है, और इसके बीच लगा है ई और डबल एल, स्मेल। सो आई होप कि आपको ई की जो लास्ट साउंड थी जो, वो भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो लास्ट में जो साउंड है वो है ई की, ई, जैसे कि ई जो साउंड है वो एकदम से गिर सी रही है। आप नोट कीजिए कि जब मैं बोल रहा हूँ ई, तो साउंड एकदम से गिर रही है, ई, ई, लंबी वाली ई नहीं, जैसे ई, वो साउंड नहीं, जस्ट साउंड गिरे, ई, ई, ई। ठीक है, तो इसी तरह से बना है इंग्लिश, इंग्लिश नहीं बोल रहे हम, इंग्लिश, इलेक्ट्रिक, इलेवन, इलेक्टिव। आई होप कि जो जे यूजर्स है, साउंड है ई की,
ये भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। डियर देखिए, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियो फॉर्मेशन है उसके लिए मेरे पास कंटेंट अच्छा नहीं है, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, सो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो जस्ट अगर आपको समझ आती है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, इससे क्या होगा कि इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी, मैं आपके लिए और भी ऐसी नई नई अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। देखिए पहली वीडियो मेरी थी उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट अच्छी नहीं थी, जहाँ कंटेंट अच्छा नहीं था, उसके बाद जो वीडियो आई उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई, जे वीडियो है इसमें थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट होगी। तो ऐसे ऐसे अगर आप मुझे कमेंट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं और भी आपके लिए वर्क करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश का पूरा कंटेंट, कोई भी बुक हो, जैसे रेमंड मर्फी हो, रेनन मार्टन हो, कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामर बुक हो, चाहे एडवांस लेवल की हो, अपर इंटरमीडिएट हो या मीडिएट इंटरमीडिएट हो, मैं आपके लिए उसका पूरे का पूरा कंटेंट आपको इस चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करूँगा। सो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर मुझे दें ताकि मैं और वीडियो आपके लिए ला सकूँ, ठीक है। सो लास्ट में मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और उस पर कमेंट्स जरूर करें। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चले कि आप इंग्लिश अच्छी से सीखना चाहते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरी कम्युनिकेट पे मत जाइए कि मैं हिंदी कैसे बोल रहा हूँ, मुझे हिंदी नहीं आती है। जो हिंदी आती है, ये थोड़ी बहुत मैंने कह लो कि जो टीवी सीरियल्स होते हैं, जो हिंदी मूवीज़ होती हैं, उनसे सीखी है, वैसे मैं मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे जस्ट इंग्लिश और पंजाबी का कॉम्बिनेशन आता है। बाइलिंगुअल हूँ मैं, वो पंजाबी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज पे मेरी कमांड है, ठीक है। सो मुझे हिंदी नहीं आती अच्छी तरह से, ठीक है, लिखनी भी नहीं आती। तो आप कोशिश करें कि एडजस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वीडियो में हम वॉवल आई के बारे में बात करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।